आदर आदाब आभार अभिनंदन मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रशांत कुमार विश्वास, आप देख रहे हैं अपना केवीसी। मित्र, आज की वीडियो हम लोग केवीसी खेलेंगे और केवीसी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मदद करेगी आज का वीडियो। मित्र, जो प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं वो कई बुक से और न्यूज़पेपर वगैरह से किए हैं। मैंने जवाब देने में प्रश्न और उसके जवाब देने में सावधानी बरती है। अगर आप लोगों को किसी प्रश्न के जवाब में डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खेलेंगे आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो ये रहा प्रश्न, एक दिन में घटने वाले इन घटनाओं को क्रम अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाए, यानी जो घटना पहले घटेगी या आएगी उसे पहले सजाना है और जो बाद में घटेगी एक दिन में उसे बाद में सजाना है। तो तैयार हो जाइए। ये रहा आपका ए भोर, बी गोधूली, सी दोपहर, डी रात। जो घटना पहले होगी उसे पहले बिठाए, जो बाद में उसे बाद में। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे, वीडियो को पॉज कर ले और फिर मिला ले। और समय समाप्त, देखेंगे सही क्रम क्या है। सबसे पहले ए भोर, पहले सुबह होता है, उसके बाद सी दोपहर, उसके बाद बी गोधूली यानी शाम के समय का समय होता है, और डी अंत में डी रात। ए सी बी डी इसका सही क्रम हुआ। तो मित्र, अब हम लोग खेलेंगे केबीसी। आज का पहला प्रश्न, दादुर शब्द का क्या अर्थ है। ए फतिंगा, बी चूहा, सी छिपकली, डी मेढक। इसका राइट आंसर है डी मेढक। अगला प्रश्न है, शारीरिक शक्ति कम होता है, बुद्धि का शक्ति अधिक होता है, इसके लिए कौन सा मुहावरा है। ए अटकेगा सो भटकेगा, अभी अपना रख पराया चक, सी अब के बनिया दे उधार, डी अकल बड़ी या भैंस। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे। इसका सही आंसर है डी अकल बड़ी या भैंस। अगला प्रश्न, पैन कार्ड में जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है वह कितने अंकों की होती है। ए 12, बी 10, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर होंगे 10। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। इसका राइट आंसर है अवधि। अगला प्रश्न, इस चित्र को देखें, ये हाल फिलहाल की घटना है। प्रश्न है, चित्र में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिस महिला फैन से गले मिल रहे हैं उनका नाम क्या है। इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना। ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो खेल हो रहे थे उस दौरान का है, जब भारत जीता था मैच, अभी हाल फिलहाल की घटना है। ये इनका नाम है चारुलता पटेल। ये 1983 के मैच जो इंडिया जीता था वर्ल्ड कप, उसमें भी ये थी। तो अभी 87 वर्ष की हो गई है, वो व्हील चेयर पर बैठी थी और चौके छक्के पर भोपू बजाकर उत्साह मना रहे थे। तो इनसे मिलने के लिए बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा उनसे मिले थे। हो सकता है आप लोगों को इसका वीडियो भी दिखा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा उम्मीद है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार एक डैश है, यानी कुतुब मीनार क्या है। ए मस्जिद, बी मकबरा, सी वेधशाला, डी मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार। तो इसका आंसर है डी मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार। ये आंसर है डी। मुअज्जिन कौन होते हैं, अजान कहकर लोगों को जो मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, बुलाने वाले व्यक्ति को मुअज्जिन कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
ह्वांगो नदी किस सागर में मिलती है गिरती है? ए टोंकिंग की खाड़ी, बी पित सागर यानी येलो सी, सी जापान सागर, डी दक्षिण चीन सागर। ह्वांगो नदी, इसके आंसर होंगे येलो सी यानी पित सागर। इसको देख सकते हैं मैप में, मैंने दे दिया, येलो सागर है गोल घेरे में और वांगो नदी भी दिखाया मैंने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा नहीं है? नहीं है, ध्यान देंगे। एक क्लोरोमाइसिटिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एस्पिरिन। इसके आंसर होंगे एस्पिरिन, बाकी तीनों एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? ए कोची, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। या ध्यान देंगे, दो प्रश्न बन सकते हैं, किस बैंक द्वारा, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, और कहाँ, कोची। कोची में ये 2009 फरवरी 2004 को एक फेरी पर लगाया गया था, फेरी वह झंकार इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? ए जड़, बी फल, सी पत्ती, डी पुष्पकली। इसके आंसर होंगे पुष्पकली, इसे पेन किलर दवा बनते हैं, मेडिसिन मॉर्फिन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के विद्वान पाणिनि किस क्षेत्र के विद्वान थे? ए व्याकरण, बी अंकगणित, सी खगोल शास्त्र, डी ज्योतिष। मित्र, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दे, इसके आंसर होंगे व्याकरण। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहायता से स्थापित किया गया था? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी सोवियत यूनियन। मित्र, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का आंसर सोवियत यूनियन, इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, बोकारो जिला में ये है, बोकारो स्टील, और झारखंड में है, ये सेल के अंडर में है, और इसका लोगो भी देख ले। अगला प्रश्न, मोरिना किस जानवर की नस्ल है? ए बकरी, बी भेड़, सी गधा, डी खरगोश। इसका राइट आंसर है भेड़। अगला प्रश्न, तेजस्विता के आह्वान के लिए भोर से पूर्व गाया जाने वाले किस राग की उत्पत्ति भगवान शिव के कंठ से मानी जाती है? ए राग मल्हार, बी राग भैरवी, सी राग बहार, डी राग भोपाली। इसके आंसर होंगे राग भैरवी। मित्र, लाइक जरूर देंगे वीडियो को। अगला प्रश्न, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी रॉबर्टो डी नोबली। रॉबर्टो डी नोबली आंसर होंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये 1510 में अधिकार किया था गोवा पर, और यहाँ के स्थानीय सहयोगी थे तिमैया, जिसके मदद से, और बीजापुर के सुल्तान के हाथ में था गोवा उस समय, यूसुफ आदिल शाह, इसको हरा करके पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, और उसके बाद से लगभग 450 वर्ष तक वहाँ अधिकार था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अजंता की गुफा किस पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया है? ए विंध्याचल पर्वतमाला, बी सह्याद्री पर्वतमाला, सी नीलगिरी पर्वतमाला, डी पारसनाथ पर्वतमाला। इसके आंसर होंगे सह्याद्री पर्वतमाला। एक और प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न दे दारो, इसी से रिलेटेड है। अजंता की गुफा किस नदी किनारे अवस्थित है? इसके आंसर होंगे वघोरा नदी। मित्र, जो मित्र अभी मराठी केबीसी के ऑडिशन में जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि
मेरा केबीसी ऑडिशन सक्सेस का पीडीएफ बुक है, इसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, अगर उसको पढ़ लेंगे तो ऑडिशन में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत सारी जानकारी आपको पहले से मिल जाएंगे, उसको जरूर डाउनलोड कर ले पढ़े। और मित्र अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर दे और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे मेरे वीडियो फ्री में आप तक पहुंचते रहेंगे और केबीसी की तैयारी करते रहिए। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद, जो मित्र शेयर करते हैं मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, एक लाइक जरूर दे दे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, नमस्कार।